में टर्मिनेट भी किया जा सकता है, दैट इज फाइन। तो मेरा बस तो अभी फाइनल ऐसे ही अगर आप ये जो कंप्लाइंस है ना, ये ब्रीच कर रहे हैं आप, अगर आप खुदा की अथॉरिटी को इनकार करें, बोले मैं तो भाई अपने हिसाब से सब कुछ करूंगा, और जो छोटी छोटी बेनिफिट्स हैं, यानी कि क्रिएचर को फायदा पहुंचाना, इसको पानी पिलाना, उसको पानी पिलाना, ये सब काम करते रहें, और आप कंप्लाइंस को ब्रीच करते रहें, और आप कहेंगे फिर यार मैं कंप्लाइंस को ब्रीच करूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोटा छोटा नफा तो दे रहा हूं ना, फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है टर्मिनेशन की? तो तो ये देखिए, है। आपका मतलब ये लॉजिकली ठीक है, मतलब ये तो मतलब थोड़ा मेक सेंस करता है, लेकिन फाइनली मेरा यही क्वेश्चन था कि वो जो बंदे ने, वो डायरेक्टली मान लीजिए खुदा को बोल सकता है, मैंने एक मुसलमान के बच्चे को ही बचाया था, वो अभी अपनी और जिंदगी जी रहा है, इसलिए मैं भले ही नॉन मुस्लिम हूँ, क्या इस वजह से अभी तुम मुझे हेल में सेंड करेगा? तो बस मुझे उसका फाइनल हाँ, डेस्टिनेशन खुदा भी जानना है, तो यही उसके कहेगा घर ना क्या होगा। कि खुदा भी तो यही कहेगा ना कि ठीक है, तूने उस मुसलमान को बचाया था, लेकिन तुझे मुसलमान को बचाने के अलावा उससे बढ़कर जो काम करना था वो ये था कि तू मुझे तो मानता, मेरी अथॉरिटी में तो रहता, मेरी अथॉरिटी को तू मानता नहीं है और बचा रहा है उसको, तो मैं तो उस पर सवाब नहीं दूंगा तुझको, उस पर तो सजा दूंगा। अथॉरिटी को ना मानने की सजा तो मिलेगी, गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के लिए टर्मिनेशन तो होगा। तो इस सिचुएशन में भी वो बंदा हेल में जाएगा बेसिकली, आप बोल रहे हो, या बंदा बंदी जो भी। जो भी है, अगर उसने अल्लाह को नहीं माना और खुदा को एक नहीं माना, तो उसका उसका ठिकाना वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैं देखें इसी को, प्रतीक भाई आप ये समझते होंगे कि यार ये तो बहुत ही मुसलमान जो है ना, बहुत ही ज्यादा फंडामेंटलिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी है। हम ये नहीं कहेंगे अच्छा जी आपने चूंकि बहुत अच्छा काम किया, लो जी हमारी तरफ से सर्टिफिकेट लो, अब आप जहन्नम में नहीं जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे। भाई मेरे पास अथॉरिटी नहीं है आपको जन्नत या जहन्नम में भेजने की, जो ये जो अथॉरिटी है वो तो अल्लाह के पास है। वो तो पोप का, कैथोलिक पोप का कल्चर था एक जमाने में कि पोप या चर्च जो है वो फॉरगिवनेस के लेटर जारी कर दिया करते थे कि चलो भाई आज आप जो है फॉरगिवन है, अब आप तो टेंशन फ्री जिंदगी गुजारो। हम लोगों के यहाँ कंसिस्टेंसी है, डजंट मैटर कि आपने अपनी जिंदगी में कितना अच्छा काम किया है, अगर आप दूसरा बुरा काम किए हुए हैं तो दूसरे बुरे काम का नतीजा निकलेगा। ठीक है, मुझे जो ठीक है, मुझे आपका आंसर तो मिल गया, मतलब जो मुझे जानना था। तो बेसिकली दैट पर्सन विल गो टू हेल्थ इवन इफ प्रीवियस तक मे बी अगेन सम स्मॉल। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये भी अभी तो वो जिंदा होगा ना, जो भी पर्सन है वो अगर मान ले खुदा की अथॉरिटी को मान ले तो जन्नत में चले जाएगा, और जन्नत में जाएगा तो साथ में जो उसने अच्छा काम किया उसका भी सवाब मिल जाएगा उसको। हम ये किसी भी, मैं आपके बारे में, किसी एक मुसलमान के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जन्नत में जाएगा, और एक हिंदू के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जहन्नम में जाएगा, जब तक कि वो मरा नहीं है, और हमें ये पता नहीं है कि वो मरा है तो कुफर पर मरा है कि ईमान पर मरा है। हम सिर्फ ये उसूल बयान कर सकते हैं कि भाई खुदा की अथॉरिटी को माने बगैर जहन्नम में जाएगा, मानकर जन्नत में जाएगा, सिंपल सी बात ओके, तो इन मेरे मेरे मेरा जो क्वेश्चन था वो इसी अराउंड था कि वो कुफर की स्टेट में ही उसकी मौत हुई है, है। हाँ, दैट इज कुफर की और कुछ स्टेट में नहीं। अगर उसकी मौत हुई है तो जहन्नम उसका ठिकाना है। ओके सर, इन स्पाइट ऑफ हेल्पिंग, बट एनीवेज इट वाज वेरी नाइस, आपने जो एग्जांपल दिए दोज वेर रियली मेकिंग सेंस। और आसिम भाई, अगेन आप भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हो, एंड मैं पहली बार आप लोगों से ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हैप्पी टू चलें, ऑल द मेंबर्स। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, फिलो सेपियंस, हेलो मुफ्ती साहब, कैसे हैं अमीन भाई आप? क्या हाल चाल है? बस खैरियत, आप बताइए। आप सब आप लोगों ने ईद उल आसिम अजहा आसिम बनानी साहब, छोड़ी है, अभी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। हाँ भाई, कबाब कैसे छोड़ सकते हैं, ये बात तो है। कबाब अच्छा के मुफ्ती बगैर साहब, लाइफ आपने कहाँ। मुफ्ती साहब आपका मैं ज्यादा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। जी अच्छा, आपने जो अभी ये जो बयान किया है, ये जो इनहेरिटेंस लॉ है उसमें कई फ्लॉज हैं, तो मैं वो फ्लॉज आपको बताता हूँ। क्या आपने फ्लॉज, आपने शायद मेरी मेरे ख्याल से हफ्ते पहले आपने एक वीडियो निकाल, आपकी एक कॉन्वर्सेशन, उसका भी मैंने रेपुटेशन किया है अपने चैनल पे, तो आप चाहें तो भाई उसको भी आप, देख मुझे सकते। मालूम है कि अपने चैनल की तशहीर बहुत करते हैं, लेकिन सीरियसली मैं नहीं देख करना पाता। जरूरी है, करना जरूरी है मुफ्ती साहब, क्योंकि मैंने आपकी मैंने एक भी आर्गुमेंट, नहीं देखी शायद अभी तक। आप हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज पेश कर देते हैं कि फिर हमें करना ही पड़ता है उसके लिए। ठीक है, नहीं, वो देखें, रिफ्यूट आप रिफ्यूट करना मुझे पड़ता है, देखें, राइट? रेफ्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि रेफ्यूटेशन सही हो गई है ना, बस ये जहन में रखिएगा, बाकी रेफ्यूट करते रहे, नो टेंशन। जी
नहीं फिर या तो ऐसा हो कि देखिए डिबेट तो करने का फायदा नहीं, क्योंकि डिबेट जो है वो उसमें डीप डिस्कशन नहीं हो पाते, ये मेरा मानना है बेसिकली, राइट, क्योंकि उसमें आप किसी प्रॉब्लम की तह तक नहीं जा पाते हैं बेसिकली, ठीक है। उसमें ये है कि उसमें मुद्दा बना रहता है कि आप कौन जीतेगा कौन हारेगा बेसिकली, राइट। तो वो मतलब वो जो है आप मजबूर कर रहे हैं मुफ्ती साहब को कि वो आपकी वीडियो देखे ही देखे जाकर देखूं और रिस्पांस भी दूं। भाई इतना वक्त नहीं है सीरियसली, बड़ी मुश्किल से मैं ये स्ट्रीम कर पाता हूं, बस ये भी इसी को समझ लें। इससे अच्छा है कि अगर आप रिफ्यूट करके दो चार मतलब चैनल चलता रहे आपका तो अच्छा ही है ना, आप क्या जरूरत है कि मैं जवाब भी दूं। सीरियसली वक्त नहीं मिल पाता, टू बी ऑनेस्ट। चलिए कोई नहीं कोई नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं यही काफी है। अच्छा ये मैंने आपसे कई बार कहा है कि हम लोग आपकी इज्जत करते हैं और हम तनकीद जरूर करते हैं पर, और कई बार तंज भी कस देते हैं, तो वो भी ठीक है मेरे ख्याल से, आप उसको लाइट हार्टेड वे में लेंगे। पर आप तंज कर रहे हैं कि तनकीद कर रहे हैं, आई डोंट इवन नो। नहीं मैं अपने अपने चैनल पे जो करता हूं उसके बारे में आपको बता रहा था। जी मेरे इल्म में नहीं आता लेकिन नो प्रॉब्लम। जी ठीक है, आपने यहाँ पे आज जो की है बात उसमें आपने एक जगह गलती की है और आसिम भाई ने तीन जगह गलती की है, तो मैं वो धीरे धीरे आपको बताता हूँ। पहली चीज, आपका जो एग्जाम्पल दिया था आपने, ठीक है, वो एग्जाम्पल जो है वो सही नहीं फिट बैठता है। उसका रीजन ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनहेरिटेंस है, जो वारिस को जो प्रॉपर्टी दी जाती है, वो एक प्रिसाइस मैथमेटिक्स है बेसिकली, और जो आप जो एरर बता रहे हो वो प्रॉपर्टी जो है वो एरर जो है वो अलग इसमें आ गए, वो मैच नहीं खा रहे बेसिकली। उसका रीजन ये है कि जो जो शख्स जो गुजर गया है उसकी प्रॉपर्टी तो मालूम है पहले से ही, उसके एयर्स कौन है, उसके वारिस कौन है, वो भी आपको बिल्कुल प्रिसाइसली मालूम है, ठीक है, तो उसमें कोई एरर होने का चांस नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी कम या ज्यादा होने का कोई चांस नहीं है बेसिकली। तो आपका जो एग्जांपल है वो भी हमें प्रिसाइसली मालूम है कि अगर मान लीजिए दो बहनें हैं तो उनको 57 पॉइंट कुछ परसेंट मिलेगा, प्रिसाइसली मालूम, और ये भी मालूम है कि उस 57 पॉइंट कुछ परसेंट को प्रिसाइसली 2/3 कहा जाएगा, ये भी प्रिसाइसली मालूम, 2/3 है वो, ठीक है, वो प्रिसाइसली हर चीज मालूम है। नहीं ये 57% तो ये बाद में किया गया है, इसकी एरर को करेक्ट करने के लिए किया गया। नहीं है। जब एक चीज को आपने अभी आसिम भाई ने एक लफ्ज बोला था स्पेक्ट्रम है, मैं आसिम भाई के इस पे आऊंगा मैं, तो फिर हम उस पे गुफ्तगू करेंगे बेसिकली, है ना, आसिम भाई ने जो कहा है मैं उस पे आऊंगा उस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया, हम इस पे पहले मैं अपना बयान कर दूं, अपने मेरे एतराज जो है वो बयान कर देता हूं। दूसरा, आसिम भाई की जो गलती है मैं वो बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स जो है वो प्रिसाइस लैंग्वेज है, राइट, उसमें आप जब कोई भी करें, आपने भले मान लें कि ये चूंकि कुरान में दिया हुआ है इसलिए हम इसको लिंग्विस्टिक मराकल लेके कहेंगे और इसमें लिंग्विस्टिकली कुछ भी चल सकता है, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो जो कि एक सेट अमाउंट है, सेट नंबर है, उसको जब आप 2/3 कहेंगे तो वो 66.66 रिकरिंग ही होगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा। अब वो क्योंकि रिकरिंग को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो आप या तो उसको 66.67 ले लेंगे या 66.66 ले लेंगे बेसिकली, राइट, या आप जिस भी तरह से उसको डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास मिनिमम अवेलेबल करेंसी है बेसिकली, ठीक है। तो ये आसिम भाई ने जो कहा है ना कि वो लैंग्वेज जो कोलोक्वियल लैंग्वेज को आपके पहले एतराज का खुलासा ये निकला कि कुरान ने प्रिसाइज मैथ बयान की है, चलें दूसरा एतराज करें। हाँ नहीं, वो प्रिसाइज मैथ्स नहीं, मैथ्स प्रिसाइज होना चाहिए, ये है, चाहे वो कुरान बयान करे चाहे मैथमेटिक्स की, चलें ये पहला ऑब्जेक्शन हो गया, मैं मुख्तसर है ना ताकि टाइम की कमी की वजह से। जी दूसरा एतराज, तीसरा एतराज ये भी आसिम भाई का ही है। जो आसिम भाई ने एक एग्जांपल दिया था मैं उसकी गलती बता रहा हूँ। आसिम भाई ने एक शायद एग्जांपल दिया था कोई महीने जो है वो दिन के हिसाब से क्वार्टर्स नहीं होते हैं, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था, वो ये गलत इसलिए गलत है कि जो महीने जो क्वार्टर डिवाइड होते हैं वो मंथ्स के हिसाब से होते हैं, महीने हमेशा 12 ही होते हैं बेसिकली, तो वो जब क्वार्टर कहते हैं तो वो 3 महीनों को लेते हैं, अब उस 3 महीनों में चाहे 90 दिन हो चाहे 88 डेज हो चाहे 90। अच्छा, अगर मैं साल को 4 quarters में according to days divide करना चाहूं तो कैसे करूं? नहीं, वो आप कर लीजिए, फिर उसके लिए आप मेहनत मशक्कत कीजिए किसी भी तरह से, पर जो कोलोक्वियली मैं बता रहा हूं जो एग्जांपल। अच्छा, और महीना कैसे बनता है भाई?
महीना भी तो दिन के एतबार से बनता है ना, तो दिन का दिन के बगैर महीना नहीं, महीने के बगैर क्वार्टर नहीं। अलग, वो तो हम अलग बात कर रहे हैं कि वो कैसे बन गए हैं। अब वो तो बन गए हैं, वो तो अब जो भी जिसने भी रूल बनाया उसने अपने रूल के हिसाब से बना दिए। वही तो बात हो रही है ना, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो हम लूनार कैलेंडर पे चलेंगे। वही बात हो रही है कि उसमें प्रिसाइज प्रिसिजन को ख्याल का एतबार नहीं किया जाता। अगर प्रिसिजन का एतबार किया जाता तो मैं ऐड करना चाहूंगा फिलो भाई, आपने अगर मेरी प्रेजेंटेशन देखी होगी तो मेरी प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी इस पे बेस्ड है कि आप एक रोबोटिक माइंड की तरह से एक लेयर में सोच रहे हैं। आपने कह दिया कि क्वार्टर में तो बस 3 महीने होते हैं, क्या क्वार्टर का एक दूसरा एस्पेक्ट दिन नहीं है, उसमें दिन नहीं होते, तो आप क्या कर रहे हैं एक लेयर में देख रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई आप मल्टी लेयर में चीजों को देखें तो समझ में आएगा, आप मल्टी लेयर में देख नहीं रहे। That is the part of the problem. आसिम भाई मल्टी लेयर में आसिम भाई आपको मल्टी लेयर में देखना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, वो ऑप्शन की बात नहीं है जनाब, मल्टी लेयर में मीनिंग एग्जिस्ट करते हैं लैंग्वेज में, ये है मेन पॉइंट। वो सिर्फ हमें नहीं देखना पड़ रहा है बल्कि यूएस गवर्नमेंट को भी देखना पड़ रहा है। मसला करें तो क्या करें जी, बोले आगे आप अपना चौथा एतराज कर रहा हूँ की आपको वो करना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है की आपको उसको मल्टी चौथा एतराज कर ले। चौथा एतराज, चौथा एतराज ये है कि रूल ऑफ 2/3 जो आसिम भाई ने जो बताया ना, अच्छा मुझे ये बिल्कुल बड़ा अजीब सा लगा ये एग्जांपल जो है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये एक एज अ गाइडलाइन सर्व करती है बेसिकली, इट्स अ क्विक रेफरेंस किसी भी एक इसके लिए। ये रूल ऑफ हाफ भी होता है, रूल ऑफ 1/4 भी होता है, रूल ऑफ 2/3 भी है। ये एक ऑब्जर्वेशनल फिनोमेना है राइट, जिसको आप एक लिटरल रूलिंग से आप कंपेयर कर रहे हो। अगर आप ये तस्लीम करते हैं कि जो कुरान में जो इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं वो ऑब्जर्वेशनल हैं तो फिर मैं पीछे हट जाऊंगा अपने क्लेम से बेसिकली, ठीक है। लेकिन आपका कुरान में जो इनहेरिटेंस की जो है वो रूलिंग है बेसिकली, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो आपको इससे कंपेयर करना तो मैं समझता हूँ कि कोई मुझे ये कहना चाहिए कि ये करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत साबित हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। कैसे, यानी कि वहां जो है 2/3 को जो है, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन फिनोमेना में हम 2/3 को जो है 50 कह दें तो दिक्कत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? 2/3 का इसलिए एक रूलिंग है कि कई ऐसे फिनोमेना हो रहे हैं, मसला उसका नहीं है कि क्या रूलिंग है, मसला ये है कि वहां 61% को 59% कि वहां आगे परसेंटेज लिखे हुए हैं 59, उसके लिए जो है वो वर्ड लिखा हुआ 2/3, तो आप ये कह रहे हैं कि वो यूज कर रहा है तो वो सही यूज कर रहा है और हम अपने स्पेक्ट्रम में उसको यूज करेंगे तो गलत समझते हैं। क्या होता है गाइडलाइन और क्विक रेफरेंस, कुछ भी होता हो, नहीं नहीं कुछ भी होता हो, आप फिर क्यों जा रहे हैं मल्टी लेयर में, अब क्यों जा रहे हैं आप मल्टी लेयर में ना, आप बात करें मेरे से जाहिल की तरह बात करें, मेरे से एकदम जाहिल की तरह बात करें। 2/3 का मतलब 67 होता है, वो वेबसाइट में गलत लिखा हुआ है। नहीं नहीं वो अपने को कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे। अच्छा, मैं अपने को कह रहा हूँ, आप मेरे से एक जाहिल की तरह बात करें, आप समझेंगे बिल्कुल। मुझे तो आप अभी सिंगल लेयर की बात कर रहे थे, आप मल्टी लेयर तो होता ही नहीं है कुछ। चले आप मुझे बताएं कि वो तो गलत, मैं कहता हूँ गलत लिखा उसने 71% कहाँ गलत लिखा है, 2/3 को 71% गलत लिखा है, आप बोले भाई वो एक एज अ क्विक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है कुछ भी हो। मैं क्विक रेफरेंस में भी 2/3 को 71% मानू। अच्छा ये कहने कि ये बात कहां से आई कि कोई की रेफरेंस में जो है वो 71% 2/3 हो सकता है, वो क्या दलील है? मेरे को एक मिनट देंगे तो मैं समझाऊंगा ना आपको, आप थोड़ा अपनी गाड़ी नहीं, नहीं हमें समझना नहीं है, मुझे समझना नहीं है, मुझे ऐसे ये तो मल्टी लेयर में जा रहे हैं ना आप, मुझे सिंगल लेयर में रहकर समझाइए, आप मल्टी लेयर में नहीं जा रहे। क्विक रेफरेंस को जो एक गाइडलाइन बना रखी है एक मेडिकल जर्नल में, जो कि एक क्विक रेफरेंस के लिए एक क्विक कोरिलेशन बनाने के लिए जो गाइडलाइन बना रखी है उसको एक रूलिंग से आप कंपेयर कर रहे हैं, जहां जो कि किसी भी एंगल से जो है वो सही नहीं बैठता बेसिकली। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि क्विक रेफरेंस में जो है वो 71% को 2/3 कह देना जायज है, सही है वो? आसिम भाई क्या आप कुरान की जो इंजंक्शन है उसको आप, मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूं ना, आप उसको छोड़ दें, आप इधर उधर ना जाइए, पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ना। क्विक रेफरेंस में देखिए बात तो सही है ना आसिम भाई की, कि क्विक रेफरेंस में 71% को 71, हम उसको 71 के हम उसको 90 भी ले लेंगे 2/3 को, पर आप ये मान लें कि ये क्यों ले लेंगे आप, ले लेंगे तो ये सही हो जाएगा, मैथ के हिसाब से तो गलत है, मैथ में तो प्रिसाइजली 2/3 67% होता है, हिसाब से आप 2/3 90% को ले लेंगे क्या, आप बताओ? हाँ भाई ले लेंगे, हमें जहाँ जैसे जाना होगा हम जाएंगे, हम करते हैं, हमें जैसे लेना है हम ले लेंगे, वो छोड़ देंगे।
तो आप अपना आंसर कर, आप अपना आंसर करें, आप अभी कह रहे हैं कि एक तो मल्टीलेयर में नहीं जाना है, सुन ले आप ये कह रहे हैं पहले मल्टीलेयर में नहीं जाना है, जब आपके अपने स्पेक्ट्रम पे सवाल उठ रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं वहां तो ये ऐसा है ना, कुकी रेफरेंस है, वो थोड़ा घूम के जाओ, ऐसे सवाल समझ में नहीं आएगा, वो ऑब्जर्वेशनल है, ये फिर आपके ये है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वहां क्यों लिया गया है और उसका क्या मुराद है बेसिकली, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने किसी भी वजह से लिया गया वो तो पढ़े लिखे लोगों ने लिया है ना, भाई मैंने अपना केस वापस कर लिया कि वो रूलिंग नहीं है, फिर वो कुछ भी हो गया वहाँ पे, कुछ भी किसी भी अल्फाज का कोई भी मतलब लिए जा सकते हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, वहाँ जो है वो 67% बयान नहीं हुआ कुरान में कहीं भी, मुबीन नहीं रही कुरान में कहीं भी, 50% कुरान में कहीं भी 50% 67% 12.5% ये बयान नहीं हुआ है कुरान में, कुरान में जो लफ्ज है वो लफ्ज अपना एक स्पेक्ट्रम रखता है और वो स्पेक्ट्रम के अंदर 48% भी जो है वो एकोमोडेट होता है, सिंपल है। मैं आपको यही अच्छा, बता रहा हूं। मैं काफी देर से खामोश था यहाँ पे, फालू भाई आपने एट द वेरी बिगिनिंग आते ही एक स्टेटमेंट दिया कि मुफ्ती साहब की जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर एक गलती और गालबन आसिम भाई की तीन गलतियां आपने निकाली और उसको आप बयान करने की भी कोशिश की आपने, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको ज़ियुल फ़ुरूज़ और असाबा के दरमियान फर्क पता है क्या होता है, आप बता दीजिए। नहीं मैंने आपसे पूछा है ना, आप मीरास की गलतियां निकाल रहे हैं, आपको ये नहीं पता ये क्या होता है, मेरे को नहीं मालूम, नहीं मानता का क्या मतलब है भैया, आप मीरास की का जो नहीं मालूम है तो कैसे नहीं मालूम आपको, आपने इतने सारे क्रिटिसाइज कर दिया आपने पूरे जो है वो एक कुरान की जो है ना जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, आपको इन दोनों चीजों के बारे में नहीं पता, अब बताइए तो बात करना ही फजूल, मुझे तो बात करना फजूल लग रहा है, बाकी वो जो दो अफराद आपको एंटरटेन करना है वो तो माशाल्लाह उनकी सबर को सलाम है, मैं समझता हूँ ऐसा है, हमारी तरफ से ठीक है, होल्ड ऑन, अब मेरी बात सुन लीजिए फिर बात खत्म करेंगे, आपने जो चार ऑब्जेक्शन रखे हैं ना उन चारों ऑब्जेक्शन की बुनियाद एक है बस, और वो ये है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि कुरान में हिसस शेयर्स नहीं है बल्कि परसेंटेज है, और परसेंटेज बहरहाल प्रिसाइज होती है तो वो प्रिसिजन वहां टूट रहा है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये शेयर्स हैं और कुरानी ये अल्फाज कुरान ही में नहीं बल्कि मॉडर्न लिटरेचर में, इवन साइंटिफिक लिटरेचर में, मेडिकल लिटरेचर में ये एज ए स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होते हैं जिसका सबूत हमने दे दिया। अब आपको इस पर अगर ये कहना है कि नहीं ये नहीं होते तो वो आपकी अपनी स्ट्रीम है उस पर कीजिएगा रेफ्यूटेशन, वरना एक ही बात रिपीट होती रहेगी ना, कोई फायदा नहीं है। हाँ नहीं चलिए मैं इस पे इसका रेफ्यूटेशन जरूर करूंगा, पर वो आप जो हिसस की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर हिसस जो है वो मैथमेटिकली डिस्क्राइब है राइट, उस पर वो जो भी आपको कहना है, हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो प्रिसाइज्ड मैथमेटिक्स नहीं है कि इतने ही परसेंट होंगे और उसको ही सुलूस कहा जाएगा और उसी को सुलूसान कहा जाएगा, हमारा ये मौकिफ है। अच्छा ठीक है चलिए खैर अगली बार गुफ्तगू करते हैं इस पर। ओके अच्छा जी आकाश, अच्छा अब अगर कोई इजाजत दीजिएगा, पुलाव जो है ना इंतजार कर रहे हैं मेरा, चिकन है भाई, क्या कहने हैं भाई यानी ईद से पहले भी पुलाव और ईद के बाद भी पुलाव, तो बचेगा क्या, नहीं अभी तो चिकन पुलाव, उसके बाद इंशाल्लाह मटन भी होगा, बीए भी। वालेकुम सलाम। अच्छा अगर आतिफ रियान साहब अगर कुछ मुसलमान अहबाब आना चाहें तो उनको ले लें, चूंकि हम उनसे ही बात कर लेंगे। जी भाई आकाश मुसलमान भाई है हमारे, जी बोले भाई आकाश। हेलो हाँ नमस्कार जी मुफ्ती जी, ईद मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, 12 बज गए हैं इंडिया में। अच्छा मेरे दो तीन क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, अगर आप छोटे छोटा जवाब दे दे, मतलब आपने शायद कुछ स्ट्रीम भी कर रखी होगी इस पे, मुझे मिल नहीं रही है। मेरा पहला सवाल है एक रिलीजियस है जो कुरान से आएगा, और दूसरा एक पाकिस्तान के ऊपर है जो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ इंजीनियर साहब की वीडियो देखी है, उनको आपने और मेरे ख्याल से कोई कैसर करके हैं, उन्होंने काफी रिफ्यूट किया है, कुछ लड़ाई भी चल रही है। पहला क्वेश्चन तो करें जल्दी से। अच्छा ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे जो फर्स्ट प्रॉफिट है जो एडम है, तो उनका जब वो धरती पे आते हैं एडम और हवा, तो जो उनके बच्चे हैं
तो आगे जो वो लोग बड़े हैं, जो दुनिया बड़ी है, वो उन दोनों के बच्चों के बीच में ही इंटरकोर्स के साथ बड़ी है, या एक फिलोसफी ये भी कहती कि कई एडम्स थे, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा लेकिन मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है कि कई एडम थे, तो मैं इस चीज पे एक छोटी सी आपकी वो तरकीब चाहता हूँ कि आप मुझे इस पे क्लियर करें। मैं समझता हूँ कि इस पर मेरी एक वीडियो है और मेरा जो अपना नजरिया है वो ये है कि कई आदम नहीं थे, आदम और हव्वा ही थे। एक पर्सनालिटी का नाम आदम, दूसरी पर्सनालिटी का नाम हव्वा, और इन्हीं की औलाद हुई और इनकी औलाद से ही फिर ये नस्ल इंसानी चली है। ठीक है, तो फिर ये बात लोग क्यों करते हैं कि कई एडम थे, ऐसे ये किस लिए आ रही है ये बातें बाहर? आई डोंट नो, मोस्ट लाइकली एक अपोलोजेटिक रवैया है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को स्पेस देने का। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं एक ये मेरा क्लियर हो गया, आपने बोल दिया मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना भी रिसर्च करता रहता हूँ। मुझे एक चीज सेकंड ये जाननी है, क्योंकि मैंने कुछ टॉक शोज में गया हूँ जहां पर मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान अब मतलब शायद अभी डेमोक्रेटिक कंट्री ही है और ये नॉन डेमोक्रेटिक की तरफ जाना जा रहा है, तो मैं आपका व्यूज जानना चाहता हूँ कि ये सही है कि नहीं, और इसी में मेरे ख्याल से इंजीनियर साहब की और इन सब की जो बहस चल रही है काफी इनको भी कोसा जा रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इतना ज्यादा वाकिफ नहीं, लेकिन जो बज़ाहिर मुझे लगता है और मेरी मालूमात गलत भी हो सकती है, इसलिए मैं तबसरा कर रहा हूँ ये डिस्क्लेमर के साथ कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क तो है लेकिन वो एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है। कैसर भाई इसको कहते हैं कि नहीं, ये एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, और इसका मतलब और जमहूरियत का सिर्फ मतलब ये है कि पावर में कोई बंदा कैसे आएगा, यानी उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है जमहूरियत से डेमोक्रेसी से ले लिया गया कि भैया इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, व्हाटएवर जो भी है, वजीर आला बनेगा, चीफ मिनिस्टर, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान और सुन्नत होना चाहिए, दस्तूर इस्लामी है। ये एक मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर वहां निज़ाम है, मैं चूंकि करीब से नहीं जानता हूँ, मैं वहां गया हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बज़ाहिर ये निज़ाम है। अब इस पर बताए क्या मसला है? तो इस पे जो दो ढाई, जो अगर मैं इस्लाम से भी ले लेता हूँ, तो इसमें जो 2-2.5% हिंदू है वहां पर जो बचे हैं, और कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ जैन बुद्धिस्ट जो भी बचे हुए हैं वहां पर पॉपुलेशन जो है, उनके लिए कैसे ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हम इस्लामिक वाला? मेरे भाई मसला पाकिस्तान का ये है कि वो 2-2.5% को तो छोड़िए, मुसलमान के लिए मसला है कि इस्लाम इम्प्लीमेंट नहीं है वहां। ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि कागज में है, कागज पे लिखा हुआ है दस्तूर इस्लामी है, सड़क पे नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, अदालत में नहीं है, पुलिस के यहाँ नहीं है, कहीं नहीं है, जो खबरें हमें मिलती रहती है, इसलिए हम उसको इस्लामी मुल्क कहते नहीं है। और हमारे जो पाकिस्तानी अहबाब है बड़ी तादाद उसकी उसको वेरीफाई करेगी, यही वजह है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे अफराद और मूवमेंट्स हैं कि जो इस्लामी कानून को और इस्लामी निजाम की बात कर रहे हैं कि भाई इस्लामी निजाम लाओ, इस्लामी निजाम, इस्लाम नहीं है तभी तो इस्लामी निजाम के लाने की बात कर रहे हैं। तो ये वहां तो मसला इस्लाम पर चलने का मुसलमान के लिए है, कह जाए कि मसला दूसरी माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन अब मसला बात ये होती है कि चलो हमने मान लिया कि एक आइडियल इस्लामी निजाम आ गया। ठीक है, तो अब ये 2% हिंदू हैं, 1% जैन हैं, 2% सिख हैं, अब इनका क्या होगा? जो ये बहुत अहम सवाल है और मैं आपको, और इसका मैंने जवाब कई मरतबा भी दिया लेकिन मैं दोबारा यहां दूंगा ताकि आपके तवस्सुत से दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। ठीक है, जो लिबर्टीज और जो फ्रीडम माइनॉरिटीज को एक इस्लामी निजाम में मिलती है वो एक डेमोक्रेटिक निजाम में भी रिलीजियस माइनॉरिटी को नहीं मिलती है। ठीक है, ये हमारा दावा है। अब इस दावे को हम कैसे साबित करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। इस्लामी निजाम में कानून ये है कि माइनॉरिटी को अपने पर्सनल लॉ के ऊपर अमल करना चाहिए और इस्लामी हकूमत उनके पर्सनल लॉ को खत्म नहीं कर सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जबकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इंडिया को देख लें, कोशिश ये हो रही है कि भाई नहीं, पर्सनल लॉ को खत्म करके यूसीसी लाया जाए। क्यों? इसलिए कि दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि भाई वन नेशन है तो वन लॉ है, जबकि इस्लामी सेटअप में वन नेशन वन लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है। पर्सनल लॉ हर एक का अलग अलग है, शादी भी अपने तरीके से करेंगे, तलाक वगैरह अपने तरीके से होगी, ट्रांजैक्शन अपने तरीके से। अब आप देखें कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ अगर वाइन का ट्रांजैक्शन करना चाहे, लिकर का ट्रांजैक्शन करना चाहे तो नहीं कर सकता इस्लामी हुकूमत में, लेकिन अगर गैर मुस्लिम करना चाहे तो कर सकता है। ओके, ठीक है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मेरा एक लास्ट एक छोटा सा सवाल और है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। आपने भी देखा है कि रिसेंटली जो बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद गिर गई और काफी मेरे ख्याल से उसी के बाद से ये काफी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, जिसमें काफी वीडियो रील्स भी बन रही है, इंडिया की तरफ से भी बन रही है, मुसलमानों की तरफ से भी बन रही है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ छोटा सा, क्योंकि इसमें हम बेसिकली, मैंने तो सारी रील्स में जाके देखा, दावा वाइज पे भी देखा है, ब्रह्म राक्षस की में भी देखा और इनमें भी मैं पार्टिसिपेट किया है। जो मुझे पर्सनली फील हुआ है कि ए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आप तो सामने वाले खुदा को गाली दे रहे हैं और वो भी आपके खुदाओं को गाली दे रहे हैं। तो मैं तो एज अ डिफेंड करने, लेट्स से मैं आपसे बहस करना स्टार्ट करता हूँ, मैं डिफेंड करता हूँ अपने गॉड को, आप अपने गॉड को डिफेंड कर रहे हो, उस बीच में क्या गर्मा गर्मी में कुछ बातें दो चार ऊपर नीचे हो जाती है, तो क्या मुझे खुदा पनिश करेगा इस बात के लिए कि गया तो था तू मेरी मेरे को बचाने के लिए, लेकिन तूने फिर भी, लेट्स से मैंने मुसलमान के खुदा को, अल्लाह को, मैंने गर्मा गर्मी में मैंने ये बोल दिया तुम तो पैदा ही ऐसे हुए हो, तुम एक भाई बहन का रिलेशन हुआ, ऐसे करके मैंने कुछ बात बोल दी सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए, लेट्स से, तो क्या मुझे ऊपर वाला माफ करेगा कि मैंने ये बहस करी और इस बहस पे मैंने कुछ गंद बक दिया। तो ये चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ दोनों साइड से काफी कुछ हो रहा है, मुझे तो पसंद नहीं है पर्सनली, बट मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस पे मेरे को ऊपर वाला कुछ कर्स करेगा। जी हाँ, देखें कुरान करीम का वाज़ह उसूल है, कुरान ने ये ऐलान कर दिया कि दूसरों के माबूदों को, यानी दूसरे जो उनके यहाँ इबादत की जाती है उनको बुरा भला ना कहो, वो पलट कर तुम्हारे माबूद को ही नहीं अल्लाह को बुरा भला कहेंगे तो तुम ही सबब बनोगे। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी कितना बुरा है जो अपने माँ बाप को गाली दे, तो एक सहाबी ने पूछा कि यार रसूल अल्लाह अपने माँ बाप को कौन गाली देता है, तो आपने फरमाया कि भाई तुम दूसरे के माँ बाप को गाली दोगे तो पलट के तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा तो तुम सबब बने तो तुम उसका भुगतान भुगतोगे। तो ये बात है, तो अगर हम उस लेवल पे चले जाएं कि जहां पर हम दूसरों के खुदा को जिनको बुरा भला कहने, वैसे मैं राम जी को बुरा भला कहने लगूं, लक्ष्मण जी को बुरा भला कहने लगूं और पलट कर आप या कोई भी जो है वो अल्लाह को बुरा भला कहने लगे, तो जाहिर है कि इस्लाम उसको अप्रूव नहीं करता। ये एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट मैं बता दूं यहाँ पर, अगरचे आपने सवाल नहीं किया लेकिन चूंकि उसका ओकेजन है तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, किसी के जहन में सवाल आ सकता है। मसलन हिंदुओं की आस्था और उनकी अकीदत गाय में है, ठीक है, तो गाय उनके नजदीक एक होली एनिमल है, एक मुकद्दस एनिमल है, एक मुकद्दस चीज है। अच्छा, मुसलमानों के नजदीक वो मुकद्दस नहीं, मुसलमान ही क्या, ईसाइयों के नजदीक नहीं है, यहूदियों के नजदीक नहीं है, और दुनिया के अक्सर लोगों के नजदीक वो मुकद्दस नहीं, वो एक जानवर है। जब एक जानवर है तो उसको अगर बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते, तो वीगन्स जो है वो उसको मुकद्दस समझ कर नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो कोई भी गोश्त की चीज नहीं खाते तो इसलिए गाय भी नहीं खाते। लेकिन दूसरों के नजदीक अगर मान लें मैं ये कहूं कि भाई मैं बीफ खा रहा हूं या मैं बीफ खाऊंगा, और हिंदू को ये कहने लगे कि भाई आपने ब्लास्फेमी कर दी, तो इसको ब्लास्फेमी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो खुदा है वो तुम्हारे नजदीक भी और हमारे नजदीक भी वो है जो ना नजर आता है, ना वो मुझसे और आपसे बराह रास्त बात करता है, ना उसका कोई आकार है, ना उसका कोई शेप है, ना उसका कोई बॉडी है। गाय को हम खुदा मानकर उसको नहीं खा रहे, गाय को हम एक जानवर मानकर उसको खाते हैं, अगर कोई गाय खाता है, ठीक है, दुनिया के बहुत से मुल्कों में, इंडिया में बहुत से इलाकों में नहीं खाई जाती, बहुत से इलाकों में खाई जाती है, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि यार ये ब्लास्फेमी हो गई है। तो इस फर्क को समझना जरूरी है। ठीक है, नहीं ये मैं आपका फर्क समझ गया हूँ, इस पे मेरा कोई, एक्चुअली मेरा सवाल ये था, जैसे स्ट्रीम्स में कई लोग भी आते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन चलेगा और वो भी होता है, फिर वो जैसे अभी आपके मुस्लिम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो कुछ बातों में वो गालियां दे देते हैं, क्योंकि मैं अब एक्चुअली कोट नहीं करना चाहता हूँ खासकर पर्टिकुलरली चैनल्स को जो मैं गया हूँ जिनमें मैंने देखा, तो वो गालियां, तो इन गालियों को जब आप वो दे रहे हैं या मुस्लिम्स दे रहे हैं या हिंदू दे रहे हैं, तो ये आपका, मैं ब्लास्फेमी पे नहीं बोलूंगा, मुझे ब्लास्फेमी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि ऊपर वाला मुझ पे इसका पनिशमेंट देगा मेरे को। बिल्कुल, देखें एक चीज और मैं बता दूं आपको, मिसाल के तौर पर एक आदमी, चाहे वो दावा वाइज का आपने नाम लिया, दावा वाइज की चैनल की बात कर ले, मैं उनके चैनल मेरे ख्याल से, नहीं नहीं आप नाम मत लीजिए मेरे मुंह से निकल गया, मैं किसी को, किसी का भी रख ले, मसलन एक आदमी है वो ये कहता है कि भाई देखो एक बात सुनो, हम तो मसलन मैं राम जी को ले लेता हूँ, राम जी को हम इस बात के मानने के लिए तैयार हैं कि वो बहुत ही मॉरल इंसान थे, ठीक है जी, मर्यादा पुरुषोत्तम जो भी आप लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करें हम मानने के लिए तैयार,
लेकिन भाई इन किताबों का आप क्या करो, या तो इन किताबों को आप डिसोन कर दो, कहो कि नहीं जी हमारी किताबें नहीं, हम इन किताबों को नहीं मानते। लेकिन अगर आप इन किताबों को मानते हैं तो ये किताबें आपके क्लेम से मैच नहीं करती हैं। अब आप ये कह लेंगे नहीं जी राजी को गाली दे, ये गलत होगा। हाँ, अगर एक आदमी बगैर किसी रेफरेंस के राम जी को गाली देने, अब देखें मैं राम जी के लिए जी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार कृष्ण जी के लिए, लक्ष्मण जी का लफ्ज, कृष्णा जी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, समझ गया मैं, समझ गया आपकी बात। लेकिन अगर, लेकिन मैं साथ में अगर ये दिखाऊंगा जी रामायण में राम जी के बारे में ये लिखा हुआ है, तो आप अगर मैं ऑब्जेक्शन उठा रहा हूं तो फिर ये हिंदू होने के नाते आपकी या जिसकी भी पंडितों की उनकी जिम्मेदारी होगी वो ये कहें कि नहीं जो लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ और उसको वो जस्टिफाई करें।